उन्हें ही सब कुछ मिला है और उन्हें ही परेशानी है संविधान से, वही बदलना चाहते हैं। क्यों? हमें तो पूरे ईमानदारी से आज से कुछ भी नहीं मिला। उनके पेट में दर्द होता है, उनके बाप दादा ने आरक्षण नहीं दिया, हमारे बाबा साहब ने अंग्रेज सरकार से लेके दिया। जो सरकारें अब आई हैं वो उसका हनन करना चाहती है, उसे खत्म करना चाहती है। जातिवाद खत्म होगा, स्वर्ण लोक करे, हमारे से रोटी बेटी का नाता करे, हम तैयार हैं। ब्राह्मणवाद और मनुवाद को खत्म करना है। मनु समृद्धि जिस दिन दिमाग से चलेगी तो जाति पाति भी खत्म हो जाएगी। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं SC ST युवा अधिकार सम्मेलन का, जो यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर संविधान चालीसा गाई जा रही है। जी हाँ, संविधान चालीसा। तो अभी पहले इन्हीं लोगों से जान लेते। सर, क्या नाम है आपका? माय नेम वीरेश, डॉक्टर मुकेश अनार्यवंशी। तो यहाँ पर आज संविधान चालीसा आप गढ़ने की कैसे आपके दिमाग में आया और क्यों गढ़ रहे हैं? देखिए, जिन्होंने हमें जानवर से इंसानी जीवन दे दिया और जीने के सारे अधिकार दे दिए, तो उनके लिए संविधान का गायन होना आवश्यक है, जरूरी है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब इससे तो आप जान सकते हैं क्या फर्क पड़ रहा है। आज पूरा देश, पूरी सरकार जंतर मंत्र पर निगाहें हैं कि ये जंतर मंत्र पे क्या संविधान चालीसा हो रहा है। इस संविधान चालीसा को बहुत पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा है। ये मतलब ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये अनार्य श्रेष्ठ अशोक अज्ञानी जी के द्वारा लिखा गया। पूरी मतलब मशक्कत लगा दी है, पूरी हनुमान चालीसा जैसे होती है, पूरा तोड़ निकाल दिया संविधान चालीसा। अरे, हनुमान चालीसा में तो कुछ भी नहीं है। क्या बना आज तक हनुमान चालीसा पढ़ के? इसको पढ़ के तो तकदीरें बन गई है। अफसर, अधिकारी, IAS, PCS बन गए हैं। पढ़ने से ही होगा या इसको लागू करना और लोगों को मानने से भी होगा? देखिए, ईमानदारी से यदि लागू हो तो बहुत कुछ होगा। ईमानदारी से आज भी संविधान लागू नहीं है। और जो संविधान बदलने, आप अगला क्वेश्चन यही पूछेंगी कि संविधान बदलने की बात हो रही है, उन्हें ही सब कुछ मिला है और उन्हें ही परेशानी है संविधान से, वही बदलना चाहते हैं। क्यों? हमें तो पूरे ईमानदारी से आज से कुछ भी नहीं मिला। तो मनुस्मृति आने वाली है। मनुस्मृति से क्या होगा? अभी हम जंतर मंत्र पे हैं, मनुस्मृति आ गई तो फिर हम कचरे पे होंगे। नारी को सम्मान नहीं मिलेगा। तो संविधान जो है पूरी तरह से लागू है, लोग मानते हैं संविधान लागू है, तभी तो हम और आप यहाँ खड़े हैं। मगर धज्जियाँ उड़ाते हुए कुछ लोग तो दिख ही जाते हैं। जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं उन्हें अपना हर्ष उन्हें आप खुद दिख जाएगा। सर, क्या नाम है आपका? मनोज आदिवासी जी। तो आदिवासी जी, ये बताइए कि आज जो यहाँ पर शिक्षा रोजगार की ये भी बात यहाँ पर की जा रही है, शिक्षा धन और धरती की भी बात की जा रही है, मगर साथ में संविधान चालीसा भी जो है आज गाई गई है यहाँ पे, तो क्या कुछ मतलब है? मतलब इन सब से कितना फर्क पड़ेगा इस समाज पे? समाज को बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज का जो दिन है 24 सितंबर के बाद 25 सितंबर का हमने यहाँ दिन नियुक्त किया। 24 सितंबर को पूना पैकेट का समझौता जो हुआ, जिसके अंदर बाबा साहब ने महिलाओं के लिए, इस देश के अनुसूचित जाति के लिए अधिकार लेकर दिए, उन्हीं अधिकारों की हम बात करते हैं कि जल जंगल के अंदर भी हिस्सेदारी हो हमारी। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, अनार्य समाज यहाँ का मूल निवासी है, उनसे आज भी भेदभाव हो रहा है। जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वो अधिकार पूना पैकेट के जरिए हमें दिए थे, वो आज भी पूर्ण रूप से लागू नहीं करी। इस देश की सरकारें बेईमान हैं, क्योंकि अगर उनकी बेईमानी ना होती तो आज भी महिलाएं ला के जो लोग कितने संसद के अंदर हैं, कितने SC ST संसद के अंदर हैं। केवल जो बातें बाबा साहब ने कलमबद्ध संविधान के अंदर अधिकार दिए हैं उसके मुताबिक ही वो महिला पहुँच रही हैं, उसके मुताबिक ही SC ST पहुँच रहे हैं, उसके अलावा भी उन्हें अधिकार देने चाहिए। इसी मशीन को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे कि जल जाता है कि आरक्षण द्वारा आप लोग जो है आप में काबिलियत नहीं, इसलिए आरक्षण की आप लोग मांग रहे हैं? नहीं नहीं, ये आरक्षण जो है बाबा, ये काबिलियत ना होती तो संविधान कैसे लिखा जाता? बाबा साहब ने संविधान लिखा ना, क्या ये बाबा साहब ने तो लिखा? आप लोगों की मैं बात कर रही हूँ, आरक्षण की जो मांग की। आप लोगों को हम अनपढ़ नजर आ रहे हैं? लोगों की मैं बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, ये कोई सोचने की बात नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, ये चीज नहीं पूछी जानी चाहिए। हमारे लोग बहुत सुनिए, मैं ये अपने मन से नहीं बता रही, मैं कोट किया है मैंने। कुछ लोग जो है आप लोगों के आरक्षण से परेशानी है, सुदामा कोटा आ गया है। पता क्या है परेशानी मैडम? क्या है
उनके पेट में दर्द होता है, उनके बाप दादाओं ने आरक्षण नहीं दिया, हमारे बाबा साहब ने अंग्रेज सरकार से लेके दिया, जो सरकारें अब आई हैं वो उसका हनन करना चाहती है, उसे खत्म करना चाहती है। बेईमान ये लोग हैं जो देश पे आज राज कर रहे हैं, क्योंकि उस राज के अंदर ये संविधान यहाँ लागू नहीं हुआ। बाबा साहब ने आज़ादी से पहले संविधान के अंदर हमें वो रिजर्वेशन दी है, क्योंकि ये लोग ईमानदार होते तो रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं थी। ये अगर जाति पाति खत्म कर देते तो हमें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं थी। जातियां खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। जहां भी दलित के ऊपर अत्याचार होता है वो उसकी जाति देखकर होता है, यहां तक कि उसकी लागत चलो कि कोई भी है जो वो आर्थिक आधार पर नहीं होता, केवल जाति आधार पर अत्याचार होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। कैसे खत्म होगा? मेरा बेटा PhD कर रहा है, मैं तैयार हूँ कोई आयुष वर्ण की बेटी शादी करने के लिए, मैं तैयार हूँ। समाज में ही ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है, आपके समाज में ही जातिवाद कर दिया जाता है, वाल्मीकि हो चाहे जो बात अभी आपने कहा, जो बात अभी आपने कहा कि मनुस्मृति लागू करना चाहती है बेईमान सरकार, ये उस मनुस्मृति के अंदर लिखी है जाति वाति की, क्योंकि उसके अंदर लिखा है कि जाति शूद्र नारी या जो ढोल अधिकारी जिसके भी बोला, ये सब जो कहे गए हैं आज भी उसी मानसिकता से सरकार के प्रशासन के अंदर लोग बैठे हैं और उसी कारण इस देश का पतन हो रहा है। अगर जिस दिन सरकार ईमानदारी से संविधान को लागू करेगी तो इस देश बहुत तरक्की करेगा। जिस तरीके से ये कहते हैं कि विश्व गुरु बनाना है, आज गुरुओं की शक्य देखो कि बच्चों की हत्या कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। तो बन गया बोलते हैं विश्व गुरु बन गया, कहां से बन गया जी? समानता कहां है? अगर समानता होती तो हम जंतर मंतर पे क्यों होते? यहां समानता नहीं है इस देश के अंदर, किसी भी जाति से समानता नहीं है। महिलाओं को सम्मान कितना दे दिया, क्योंकि महिलाओं के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी, SC ST के लिए भीमराव अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी। अगर बाबा साहब के सपने को साकार करना चाहते हैं तो संविधान को पूर्ण रूप से लागू करें, जो जो चीज़ें संविधान के अंदर दी गई है हर वर्ग को वो लागू करें, तब समानता आएगी। समानता ऐसे थोड़ी आएगी कि अच्छा, जो भी पार्टी बेटी का आपने नाता बोला तो आप लोगों में भी तो ऊंच नीच देखते हैं, ऐसा भी तो करा जाता है। देखो जो संविधान की बात है, आप अपने समाज में ही अपने समाज में नहीं जोड़ेंगे तो वो चीज पता क्या है? जैसे SC ST के अंदर अनपढ़ता थी तो ब्राह्मणवाद जिसे मनुवाद मनुस्मृति कहा गया वो लोग उनके दिमाग में भर दिया गया, इसीलिए SC ST भी आपस में छुआछूत करते हैं। इस ब्राह्मणवाद और मनुवाद को खत्म करना है। मनुस्मृति जिस दिन दिमाग से चलेगी तो जाति पाति भी खत्म हो जाएगी, संविधान जिंदाबाद। कहते हैं भाजपा नफरत फैला रही है, भाजपा ये कर रही है, भाजपा जब भाजपा इतना काम कर रही है नफरत फैलाने तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग में तो एकता है ही नहीं। हम अंबेडकर पार्टियां अलग अलग संगठन बने हुए हैं। हम मैडम अंबेडकर वादी हैं, नफरतों के आदि नहीं हैं। नफरतों के आदि जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे जो हिंदूवादी करके जाति पाति की लड़ाई करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, केवल जात पात की बात करके इस देश को लड़ाना चाहते हैं। ये लोग हमेशा जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। अगर आज वो आप लोग वोट देते क्यों हैं जाति और धर्म? आज अगर BJP राष्ट्रीय ध्वज को छोड़कर पब्लिक के बीच में आके देखे, केवल राष्ट्रीय ध्वज का आड़ लेकर वो पब्लिक के अंदर आती है या धर्म की आड़ लेकर पब्लिक के बीच में आती है? राष्ट्रवादी बनना है लोगों को, राष्ट्रीय ध्वज दिखा दिया उन्होंने, राष्ट्रीय ध्वज ये फर्जी देशभक्त हैं जो देश को बेच रहे हैं, देश के संसाधनों को बेच रहे हैं, क्योंकि देशी जो देशभक्त हैं वो संसाधनों की रक्षा करेंगे, जो संसाधनों को बेच रहे हैं पब्लिक को बेरोजगार कर रहे हैं ये देशभक्ति नहीं है, दिखावा है, ये फर्जी देशभक्ति है उनकी। फिर भी लोग जो है वोट दे रहे हैं 2024 में उनकी सरकार बनने के दावे की ये धीरे धीरे संविधान को खत्म करने की पॉलिसी है इनकी, धीरे धीरे हर पॉइंट पे ये संविधान को खत्म करते हुए जा रहे हैं। इन्होंने मनुवादी संविधान तैयार कर दिया है और उस संविधान को ये लागू करने की पूरी कोशिश इनकी आप है। लोग क्या कर रहे हैं? हम उसके लिए लड़ेंगे, हम उसके लिए लड़ने के लिए देंगे। संविधान लागू होगा ही नहीं, भारतीय संविधान से अच्छा कोई संविधान हो ही नहीं सकता। सबके समानता का अधिकार है इस संविधान में, बाबा साहब के दिखे संविधान संविधान में भी भारत के संविधान को बहुत अच्छा माना गया है। यस बिल्कुल बिल्कुल, संविधान सबसे बढ़िया संविधान है। खिलवाड़ भी तो किससे खिलवाड़ किया जाए? क्यों संविधान से खिलवाड़ नहीं हो रहा बताओ आप? कौन लोग कर रहे हैं? नेता लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप लोग उसमें क्या कर रहे हैं? मैम अपना हक मांग रहे हैं, जो हमारा हक दबाया जा रहा है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। खिलवाड़ किस तरीके का हो रहा है एक बार नहीं हो रहा? मैम आप पढ़ो ना, आप इतिहास पढ़ो, उसमें क्या नहीं है, क्या चीज़ आप ये देखो, अभी भी लोगों को दबाया जा रहा है, कुछ लाया जा रहा है, क्यों? आप एक FIR भी कराने जाते हो तो उसमें भी दिक्कत करते हैं लोग, पुलिस वाले नहीं, प्रशासन नहीं सुन रही आपकी, क्यों नहीं सुन रही? आज तक 1000 केस ऐसे दे सकता हूँ, 1000 केस
पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे आज तक लोगों की FIR लॉज नहीं हुई किसी भी कार्यक्रम को लेके, जैसे बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, दूर गांव में है या कहीं कल्ला गांव घर है तो वहां पर जातिवाद सिस्टम खड़ा कर देते हैं सामने। क्या नाम है आपका? राज आदिवंशी नाम है। कहां से आए हैं आप? मैं चंडीगढ़ से हूं। चंडीगढ़ से आए हैं आप? यस। अभी चंडीगढ़ से आए हैं आप इतने, आप लोग सभी अलग अलग? मैं हरियाणा से मैडम, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। पंजाब से आए हैं। जैसे कि वो लोग हैं जो अभी धार्मिक अल्पसंख्यकों पर सरकार ने हमला शुरू कर दिया, सर्वे की आड़ में सर्वे हो रहा है उनके मदरसों का, अब वक्फ बोर्ड पर भी हमला करेगी, उसके बाद वे SC ST के घरों का भी सर्वे कराएगी, फिर हमसे वो अधिकार मांगेगी कि आपको 1970 का हमें रिकॉर्ड दो, जो NRC जो असम में लागू की थी ना, फिर उसके बाद हमारे SC ST घरों का भी सर्वे करवाएगी सरकार। ये संविधान से खेल कर रही है, संविधान से बिल्कुल ही छेड़छाड़ निखारनी कर रही है। तो हमको चाहते हैं इस गवर्नमेंट को हम चलता करना चाहते हैं कि 24 में एक अच्छी चलता कैसे होगा? चलता हम करेंगे, SC ST करेगा, आम आदमी करेगा। वोट दे देते हैं आप लोग? हम तो आप ही लोग सबसे ज्यादा होते हैं। नहीं, हम नहीं ज्यादा होते, सारी मोदी जी को वोट सबने दिया है, कल्ले SC ST ने नहीं दिया। SC ST तो विरोध करने के लिए घर घर जाके देख रहे हैं, घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, गरीबों के घर जा रहे हैं अमित शाह, देख रहे हैं ना क्या क्या SC ST उनके ही घरों पे जा रहे हैं। क्या सर्वे किया है? जिनके घर बंद करने हैं, सील करने हैं, उनका सर्वे होगा, उनसे पूछा जाएगा आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी पूछी जाएगी कि इनको दूसरे दर्जे के नागरिक बनाया जाए भारत में। SC ST को आप बोल रहे हैं नेशनल फ्लैग बदलने की भी तैयारी कर रहे हैं? नेशनल फ्लैग बदलने की तैयारी? हाँ जी, नेशनल फ्लैग बदलने की पूरी तैयारी है। इनके RSS के जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा झंडा फहराने की जगह पे वहाँ पे भगवा झंडा फहराया जाता है। और इनकी पूरी पॉलिसी है कि संविधान को तो इन्होंने बदलना ही बदलना, इनका मनुवादी संविधान भी। प्रधानमंत्री जी ने DP बदल दी है, नेशनल फ्लैग लगा लिया प्रधानमंत्री जी? नहीं, नेशनल फ्लैग तो अभी लग रहा है लेकिन उसको भी वो खत्म करने की चाल में है, और ये धीरे धीरे ये नेशनल फ्लैग खत्म करके ये भगवा झंडा चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे संविधान को ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि SC ST कभी भी ये नहीं होने देगा कि संविधान में कोई तबादला हो, कोई चेंज करें उसमें, वो किसी भी हालत में हम नहीं होने देंगे। तो क्या कुछ करेंगे आज ये संविधान 40 पढ़ने के बाद, क्या कुछ रहेगा? संविधान 40 का मतलब ये है कि जितने भी हमारे संविधान में जितने भी हकूक हैं उन सभी को वो दबाया जा रहा है, उनको उठाया नहीं जा रहा है। तो ये जो संविधान 40 और एक अशोक अज्ञानी जी द्वारा एक संविधान की कॉपी तैयार की गई है जो आपने अभी देखी है, उस कॉपी के अंदर जितने भी मेन हमारे हकूक हैं, SC ST की जितनी भी गरीब जनता है उनके जो हक हैं वो सारे उसके अंदर दिए गए हैं, ताकि वो कॉपियां सारे SC ST के लोगों में बांटी जा सके, उनको पता लगे कि हमारे हक हकूक है क्या संविधान के अंदर जो गवर्नमेंट लागू नहीं कर सकती, करना चाहती। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो लगातार संविधान 40 को लेकर पाठ किया जा रहा है, और संविधान जो भारत का संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, जिन्होंने संविधान में महिलाओं को अधिकार दिया, जहां पर महिलाओं को मनुस्मृति द्वारा हमेशा पैर की जूती समझा गया है, वहां पर उस संविधान में महिलाओं को वो दर्जा दिया गया है, और वहां पर आप समझ सकते हैं कि संविधान भारत का एक ऐसा संविधान है जिसकी प्रशंसा हमारे भारत में ही नहीं, बाहर विदेशों में भी की जाती है। भारत में दवाई भी जा रही है ना, वो दवाई भी जा रही है ना। आप ये बताओ, आज भी UP के अंदर कितने ऐसे गांव हैं जहां दलित की बारात नहीं चढ़ने देते, जहां दलित की बहन बेटियों की चिताएं नहीं जलने देते। क्यों नहीं जलने देते? क्या हमें हक नहीं है? आज भी एक पंडित मंदिर में जाके पूजा कर सकता है लेकिन हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते बताओ? तो ये देश का संविधान से ही खिलवाड़ हो रही है ना, आप बताओ, हो रही है ना इस चीज की? मगर अब तो ऐसा भी किया जा रहा है अमित शाह द्वारा, जो अभी दौरे पे हैं वो, तो
मंदिरों में जो है पुजारी की जगह भी दी जा रही है दलितों को, बैठाने की कोशिश की जा रही है, राष्ट्रपति आपको दे दिया। मैडम जी टाइम पर गधे को भी बाप बनाते हैं, जब ऐसा टाइम आता है। अब एक बात ले लो, सीएम जो हमारे दिल्ली के सीएम है केजरीवाल जी हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, झाड़ू चुनाव चिन्ह लिया, झाड़ू कौन चलाती है, हमारी समाज चलाती है ना। आज उन्होंने मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, क्या कोई हमारी आवाज़ कौन कहां तक पहुंचा रहा है बताओ आप। हमारी आवाज़ हमेशा दबाई दबाई जा रही थी और दबा रहे हैं अभी भी। किया जा रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल सेल्फिश हो गई है सरकार, अपने मतलब के लिए अपने काम के लिए लोग बोलते हैं, उसके बाद अपने उसके बाद भूल जाते हैं, साफ बात है। तो हम चाह रहे हैं हमारे संविधान की रक्षा हो, हमारी बहन बेटियों की रक्षा हो, एजुकेशन अच्छी हो, इसमें आगे सोचा जाए। आज जो ये धरना है ये सिर्फ संविधान बचाने के लिए, क्योंकि संविधान को अभी तोड़ने की सोच रहे हैं, तो ये सोचिए कि SC ST कानून के ऊपर जब हथियार चलाया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो पूरे देश के अंदर कितनी हाहाकार मची थी, और उस कानून को वापस लेना पड़ा, तो ये कहने का लास्ट मतलब यही है कि अगर संविधान को जरा भी छेड़ा तो 36 कौमें आज हम इस बात के लिए भी लड़ रहे हैं, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। अभी यहाँ पर महिलाएं भी हैं, लेकिन अभी उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन आप देखिए किस तरीके से संविधान को जो है ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, वही संविधान जिसके द्वारा पूरा देश चलाया जाता है, लेकिन वही संविधान को खत्म करने की जो कोशिश मनुवादियों द्वारा की जा रही है, उसी को संविधान को बचाने के लिए ये लोग आज यहाँ एकजुट हुए हैं। जिस तरीके से लगातार दलितों के साथ, बहुजनों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसी के चलते यहाँ पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है और आज संविधान चालीसा गढ़ी जा रही है। इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।